हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी सी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाओ। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। अगर आपने अभी तक मेकअप करना नहीं सीखा, आपको मेकअप करना नहीं आता है, आप खुद से सोच रहे हो कि अपना मेकअप कर सको, दुल्हन बन सको, और जब भी आपकी शादी हो आप खुद से मेकअप करना चाहो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल ईजी तरीके से सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाली हूँ और आप आसानी से कर भी लोगे। ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने नहीं यूज किए और कुछ इस तरीके का लुक भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतना करते हो तो आप हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको बजट में 120 रुपीज़ में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सभी की डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से बाय कर लीजिएगा। लैक्मे ब्रांड तो आप जानते हैं, लैक्मे का मॉइस्चराइज़र आपको लेना है, जो सभी आजकल यूज करते हैं आपको वो लेना है, और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद मैं ले रही एनवाइवे का कंसीलर। अगर आप एनवाइवे का कंसीलर नहीं यूज करना चाहते हैं तो बहुत से मार्केट में कंसीलर आपको मिल जाएंगे। आप कंसीलर बोलिए और अपना शेड देख लीजिए, उस हिसाब से आपको कंसीलर मिल जाएंगे। तो एनवाइवे का बजट में है, 120 रुपीज़ में है, आराम से आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर बजट में मैं यूज कर रही हूँ। और फिर मैं क्या करूँगी, एक कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, लैक्मे का मैंने लिया, लैक्मे का अधिकतर लोग यूज करते हैं, उससे आपको सेट कर लेना। आप चाहो तो बेबी पाउडर भी लगा सकते हो, पॉन्स का, हिमालय का, कुछ भी लगा सकते हो अपने कंसीलर को सेट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे विल्डन वाइट का आई शेडो पैलेट। अगर आप बिगनर हो, आपको मेकअप करना नहीं आता है, तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये आपके पास कोई भी आई शेडो है, होगा तो है ही, ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप का शौक हो और मेकअप का आई शेडो ना हो, तो आप वो ले लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ से ये वाला सेट पिक किया, पहले मैंने ट्रांजिशन सेट पिक किया था, फिर मैं ऑरेंज वाला सेट पिक कर रही हूँ। इन दोनों को मैं अच्छे से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लाऊंगी, आईलेट पे नहीं लगाऊंगी। फिर मैं लूँगी मोर्फी का हील पैलेट, और उसमें से मैं ये ब्लैक वाला सेट पिक कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पर आपको लगाना, बस किनारे जहाँ पर आप काजल का एंड करते हो ना, वहाँ पर आपको लगाना है, थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, धीरे धीरे से वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जब आप ब्लेंड करोगे ना तो आपको आ जाएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तो आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लेंड करना है, थोड़ा सा इनर कॉर्नर तक लाना है, जहाँ से हम काजल की स्टार्टिंग करते हैं वहाँ तक। फिर मैं यहाँ से रेड वाला सेट पिक कर रही हूँ और ग्लिटर रेड वाला सेट, दोनों को मिक्स करके फ्लैट ब्रश की हेल्प से बीच में आपको लगाना, आईलेट के बीच में, जहाँ पर हमने काला वाला लगाया था ना ब्लैक वाला, उसके बगल में कुछ इस तरीके से आधे में लगाना है, और जहाँ से काजल की स्टार्टिंग करते हैं इनर कॉर्नर पे, वहाँ पे नहीं लगाना है, आधे में छोड़ देना, बीच में लगाना है। पहले हमने ब्लैक लगाया, फिर हम रेड लगा रहे हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स करके लगा लेना। फिर मैं यहाँ पे ले रही विल्टन वाइट का ग्लिटर आई शेडो, और मेरा शेड है ग्रे, तो इसको जहाँ पे हमने ब्लैक वाला शेड लगाया था ना, उसके ऊपर लगा लेंगे तो थोड़ा सा शाइन आ जाएगा। मार्केट में आपको ग्लिटर आई शेडो आराम से मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है, बजट में है, 200 में शायद मैंने इसे लिया था। अब मैं ले रही हूँ ग्लिटर आई शेडो, जो ब्रश में मिलता है आपको, और आपको इनर कॉर्नर में लगाना है, गोल्डन शेड है, जहाँ से हम काजल की स्टार्टिंग करते हैं वहाँ से, और बीच में नहीं लगाना है, जहाँ पे हमने रेड वाला शेड लगाया था, ठीक है। इस तरीके से आपको लगा लेना है। अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से बता रही हूँ, ताकि आप जान सको और आप कर सको। एक बार ट्राई करोगे ना, आपको बहुत ईजी लगेगा। और इसके बाद फिर मैं वही वाला रेड वाला शेड और ब्लैक वाला शेड लगाऊंगी, जहाँ पर हम काजल लगाते हैं ना, वहाँ पे लगाना है। पहले मैं रेड वाला शेड लूँगी, फिर मैं ब्लैक वाला शेड, दोनों को अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है, हल्के हल्के से, धीरे धीरे से। पहले आपको रेड अप्लाई करना है दोनों ही आई में, और रेड के बाद आपको ब्लैक लगाना है। और अगर आपको आई मेकअप करना नहीं आता, तो जैसे मैंने टेप लगा रखा, आप इस तरीके से सेलो टेप लगा लीजिएगा। एनवाइबे का लाइनर ले रही हूँ, ये बजट में है, 50 रुपीज़ में मैंने इसे बाय किया था, और इस तरीके से आपको लगा लेना है। मैं बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप देख सको। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लाइनर है, ये बजट में आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से लग भी जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है। और फिर उसके बाद ग्लिटर आई लाइनर मैं ले रही हूँ, सॉरी, ग्लिटर आई शेडो ले रही हूँ, जहाँ पे मैंने काजल लगाया था ना, वहीं पे हम दोनों लगा लेंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब शाइन आए मेरी आँखों से, जहाँ पर हमने लगाया था ब्लैक और रेड। ये देखिए, और इसके बाद मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ मैं विल्टन वाइट का सेट है, SPF 15।
600-700 में मिली, बट अगर ऑफर में लोगे तो 500 में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे दो टोन लाइट होना चाहिए था बट मेरे पास नहीं है, यही है जो मेरी स्किन टोन में भी है, देखिए बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आप खुद से मेकअप कर रहे हो, आपको ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम है, नहीं आता है तो ये फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब गिर जाएगा सब, इसमें ब्लेंडिंग की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जब आप लगाओगे ना आप आराम से लगा लोगे। ये देखिए कितनी अच्छे से मेरी स्किन टोन में मिल गया। तो हमारा फाउंडेशन लग चुका है और अब मैं ले रही एनवाइवे का कंटूर, जो मेरा शेड है 7। एनवाइवे का कंसीलर आपको 60 से 70 रुपीस में आपको आराम से मिल जाता है, बजट में है। फाउंडेशन आपको थोड़ा सा महंगा लगाना पड़ेगा क्योंकि आप बजट में, क्योंकि आप थोड़ा सा ब्राइडल मेकअप कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा लॉन्ग स्टे करना चाहिए ना आपका फाउंडेशन, तो आपका जो मेकअप होगा वो अच्छे से उभर कर आएगा, ठीक है। तो हम फाउंडेशन को थोड़ा सा अच्छा ही रखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद मैं अच्छे से छोटू से ब्रश के साथ ब्लेंड कर लूँगी। और मैंने लगाया नोज पे कंसीलर, वो भी 62 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है हाईलाइट करने के लिए, और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये पूरे मेकअप को सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट की हेल्प से, जो है मेरा लैक्मे का। और ये कॉम्पैक्ट आपको बहुत ही आराम से मिल जाता है, लोग अधिकतर इसी को यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा है बजट में, तो इसलिए मैंने इसको बताया आपको। तो अब आती है हमारी ब्लशर की बारी, तो मुझे आईब्रो को फिल भी करना है, तो चलिए पहले ब्लशर लगा लेते हैं। यहाँ से मैं पिंक वाला लाइट से पिक करूंगी। अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए सेम लेंगे मोर्फी का पैलेट, उसमें से मैं ये ब्राउन वाला शेड पिक करूंगी, ये वाला। ये हल्के हल्के से फिल करना ताकि आपकी आईब्रोज थोड़ी सी नेचुरल दिखे। आईब्रो को थोड़ी सी डार्क रखूंगी। सेट कर लेंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा है वो निकल जाए और हमारी आईब्रो नेचुरल दिखे। हाइलाइटर सीज ब्यूटी का हाइलाइटर मैं ले रही हूँ, सबसे पहले नोज पे हाइलाइटिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि दुल्हन का फेस है तो थोड़ा सा ग्लो लो तो बनता ही है ना बनता, और आप खूबसूरत भी दिखो, आपका फेस थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई शाइन शाइन सा लगे। तो जहाँ जहाँ पे मैं जैसे जैसे हाइलाइटिंग कर रही हूँ सेम आपको उसी तरीके से करना है। अगर आप सच में एक बार ट्राई करोगे ना, आप बोलोगे सच में दी ने बताया था, बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था। मैं खुद भी बोल रही थी कि हाँ, खुद मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही थी। और दोनों ही आई में आपको काजल लगा लेना लैक्मे का, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, बजट में है, 100 के अंदर आपको मिल जाता है। और इसके बाद ले रही मेकअप सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे खराब हो चुका था, मैं कर रही थी वो निकल नहीं रहा था, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करके और इस तरीके से करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप सेटिंग अगर स्प्रे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बट इससे क्या होता है ना, आपका मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग स्टे करता है, इसी वजह से अगर आपके पास नहीं है तो ऑफर में ये भी आपको 100 में आराम से मिल जाएगा। बहुत ही ऐसे हैं हुडा ब्यूटी, बहुत से ब्रांड है जो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक भी ले रही, दो शेड मैंने लिया, पहले मैं ये वाला सेड लगा रही हूँ और दो सेड मैं इसलिए ली हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग लिपस्टिक का कलर चाहती थी, इसी वजह से। आप चाहो तो सिंगल भी रख सकते हो। और हुडा ब्यूटी लिपस्टिक मैंने इसलिए भी ली क्योंकि ये बजट में है, आराम से आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाती है। तो मैं अब सेकेंड वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया ना, बहुत ही अच्छा कलर आया था। तो चलिए फटाफट से हम रेडी हो जाते हैं, अपनी सारी चीज़ें पहन लेते हैं। अभी मैंने आईलेसेस भी नहीं लगाई हैं, तो अभी मैं आईलेसेस में ग्लू लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, जब तक हमारा ग्लू सूखेगा जब तक मैं अपना दुपट्टा वगैरह लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने हेयर बना लिया है, टीका लगा लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ बिंदी। मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप इसलिए दिखा रही ताकि आप आसानी से कर सको।
और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ अपनी ज्वेलरी, और ये ज्वेलरी मैंने ली थी अमेजोन से, आप चाहोगे तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अच्छी है। हाँ छोटा बाबू, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है ये, आप इसे सिंगल ऐसे पार्टी वगैरह में जाते समय भी पहन सकते हो। मैं कई बार पहन चुकी हूँ उसको सिंगल, तो मैंने इसे सिंगल ही पीस लिया था, और टीका अलग से मैंने लिया था, सारी चीज़ें मेरी अलग से है। और ये मेरा ब्राइडल सेट का जो लॉन्ग वाला होता है ना, वो मैं पहन रही हूँ, तो इसको अच्छे से पहन लेना सारी चीज़ों को। और अब मैं सोच रही थी मैं कौन सी इयररिंग्स पहनूं, जो छोटा वाला नेकलेस है उसकी या जो बड़ा वाला है उसकी, तो मैं देख रही थी, तो आप बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने डिसाइड किया छोटा वाला, बट आप बताइएगा कि बड़ी वाली अच्छी लग रही थी कि नहीं। और यहाँ पे मैं लगा रही हाथों की मेहंदी, और नथ के लिए मैं कई ऑप्शंस रख रही हूँ आपके लिए, आपको सारी नथ लगा लगा के दिखा दे रही हूँ कि अगर इस तरीके का लुक क्रिएट करोगे तो आप सारी नथ जो आपको अच्छी लगे आप वो पहन सकते हो। तो कई तरह की मैंने यहाँ नथ आपको ट्राई करके दिखा दी बस लगा लगा कर, बट मैं यहाँ पे पहनूंगी लॉन्ग गोल वाली जो रिंग है वो, इस तरीके की गोल्ड की भी आती है तो ये भी ट्राई कर सकते हो। ये तो दुपट्टा भी लगा लिया मैंने, चलिए मैं नथ लगा लेती हूँ जो मुझे पसंद आई है। ये देखिए ये वाली नथ मुझे पसंद आई, तो मैं यही वाली पहन रही हूँ, और ये मेरी शादी की नथ है। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, अच्छे से मैं रेडी हो गई हूँ। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई भी कमी लगी हो तो वो भी बता दीजिएगा, बट कोई भी कमी लगी हो वो बताइएगा। ये आप लोग बोलते हो कि आपका मेकअप बकवास है, बेकार है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा ना लगे। तो आप लोगों के लिए इतना करती हूँ तो थोड़ा सा मेरे भी दिल को सुकून दिया करिए कि हाँ दीदी अच्छा हुआ, इससे भी बेस्ट कर सकते हो आप। हाँ कमी लगे जहाँ आप वो बता दीजिए कि यहाँ पे कमी है, तो मैं मान नहीं लूँगी, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। बट आप डायरेक्ट कुछ लोग हैं ना जो जानबूझकर मतलब हमारे अंदर ऐसा फील कराना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो बट कोई नहीं, जाने दीजिए, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं मुझे उन पर विश्वास है, तो वो ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत की, बहुत लोगों ने बोला था, नीतू जी ने, सभी लोगों ने बोला था, नंदनी जी ने कि दी ब्राइडल कीजिए अपना कीजिए, तो फाइनली आज मैंने कर दिया, सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। तो आप लोगों से ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। यहाँ पे मैंने खूब सारा क्लोजअप आप लोगों को दिखाया है ताकि आप इच्छा भर के देख सको और कमेंट करो कि दी हाँ कैसा लगा, ठीक है। और कोई भी और लुक देखना होगा तो ज़रूर बताइएगा। आज के दिन एडिटिंग मैं कर रही हूँ, आज मेरी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी, तो प्लीज़ मुझे अच्छा सा तोहफा दीजिएगा, ये वीडियो मेरी वायरल करा दीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आज मैंने पकवान कर लिए, और सोची मैं एनिवर्सरी छोड़ के एडिटिंग कर रही हूँ, मैंने रात में वीडियो शूट की है, काफ़ी अंधेरा हो चुका था जब मैंने ये वीडियो शूट की, और 9 तारीख की डेट में मैं इसे एडिटिंग करी, पूरा मेरा काम पड़ा हुआ है इसके चक्कर में, तो इतना तो बनते ही ना, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर से बोल रही, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई और नया मेकअप लुक देखना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलती है अच्छी से वीडियो के साथ, ओके बाबा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, ओके बाबा।